casa aqui, mas já. Guarda a chave que vai ligar aqui, por favor. Nós vamos ganhar de falsa ajuda. Și
वापस मांग गए, जिसका मतलब ये है कि सबूत वापस करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की खान शख्सियत की मुकदमा हिम्मत जो है ये जब ये आया रोक लिया बरतानिया से वो जिंदा गया उसके सारे सबूत जो आप देख रहे थे सारे सबूत उठा के और 13 अरब रुपया जो कौन का चोरी हुआ हुआ था वो सारे सबूत खत्म कर दिया। तो ये जो कोर्ट है ये जो 30 लाख से लूट गए इनको दोनों को मुल्क पर मसलत किया गया और ये जो कोर्ट है ये पाकिस्तान में और सुनो ये 20 साल एक दूसरे को चोर कहते हैं 20 साल सरदारी का तो नवाज शरीफ चोर है और नवाज शरीफ का तो सरदारी का है 20 साल और जब जब तहरीक इंसाफ की सुनानी आए दोनों बैठे हो गए दोनों चोर बन गए और अब इनको हमारे ऊपर मुसलत किया गया चार दिन में सारी कौन देखो क्या कहना है अब ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और इन्होंने भी कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे, माशरत नीचे जाती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इंतशार का डर है IMF कह रहा है। तो सवाल ये होता है कि ये क्यों दोनों क्यों इलेक्शंस के बारे से डरते हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी, ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से, ये डरते हैं आपकी वजह से है। एक ये वजह और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह ये है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों सरदारी और नवाज शरीफ इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट ले गया, ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है, ये डरते हैं क्या यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे, तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। और मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं फैसलाबाद गौर से मेरी बात सुनो, ये तो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर, तो ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है, दोनों जब मुश्किल आती है सरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के तौर पर भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, NRO लेके दोनों वापस आ गए, फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी जब सरदारी ने कहा मैं ईद से ईद बजा दूंगा डर के फिर बाहर भाग गया, नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया वो फिर बार बार गया, बच्चे इनके बाद इसके नवाज शरीफ के दो बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान की शहरी नहीं, वो बाहर बैठे सरदारी
सरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था हुसैन उकानी को उसने भेजा एडमिरल मरन को कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए ये सुने जरा उधर नवाज शरीफ डॉन वीक्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज फौज दहशत गर्दी नहीं रोक रही ये डॉन वीक्स में कहता है बरका दत्त को मिलता है बरका दत्त लिखती है सात कॉन्फ्रेंस काठमांडू में ये छुपके नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के अब ये दोनों पैसा इनका बाहर पड़ा जो जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई जिधर इनका पैसा पड़ा ये उनके गुलाम है तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे ये मैं सारी कौम के सामने समझता हूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं पैसा बाहर इंटरेस्ट बाहर फिर अब ये माजी में डॉन लीक्स और मेमोगेट किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए